नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। सुर सफर के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात करा रही हूं राहुल जम्वाल से, जो जम्मू के जाने माने सिंगर हैं। लगभग अभी तक उन्होंने 6 से 7 गाने अपने जो है खुद के निकाले हैं, और इनका एक गाना कॉलेज मेट जो बहुत ही जम्मू के लोगों ने जिसको बहुत ज्यादा प्यार दिया। आइए करते हैं राहुल जम्वाल से छोटी सी मुलाकात, जानते हैं उनका ये म्यूजिक का सफर कैसे शुरू हुआ। राहुल जम्वाल, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। राहुल, 2017 से जहां तक हमें पता चला है, 2017 से आपने अपना म्यूजिक करियर शुरू किया और अब तक आपने जो है 6 से 7 गाने अपने निकाले हैं, तो कैसे सफर की शुरुआत हुई? क्या बाय चांसेस लाइन में आए या शुरू से ही सिंगर बनना चाहते थे? सफर की शुरुआत तो मैम बचपन से स्टार्ट थी, मतलब थोड़ा बहुत गाने का शौक था, स्कूल में भी गाया करते थे। फिर कॉलेज में कोई प्रोग्राम होता था या कोई फंक्शन होता था, एनुअल डे होता था, तो वहाँ भी गाते थे। फिर इंटर कॉलेज कंपटीशन हुआ, वहाँ पे मैंने 2nd प्राइज निकाला, तो ऐसे सिलसिला जारी रहा। फिर मैंने सोचा कि नहीं, मतलब इसको अब एक प्रोफेशन बनाना है। हाँ, तो फिर मैंने मनहास साहब, आप सुंदर मनहास जी का नाम सुना होगा, वो अभी है नहीं इस दुनिया में, उनके पास गया, उनसे सीखा थोड़ा, तो 1-2 साल उनके पास सीखा। तो फिर 2017 में आके मैंने एक अपना गाना किया स्कूलमेट, जिसको पब्लिक ने बहुत रिस्पांस दिया, मतलब एक दिन में मेरे को 3 लाख व्यू आए थे। स्कूलमेट था, कॉलेजमेट था? नहीं, स्कूलमेट था। ओके। हाँ, फिर उसके बाद स्कूलमेट के बाद मैंने किन्ना प्यार सॉन्ग किया, फिर उसके बाद लावा किया, डोगरी सॉन्ग किया, ऐसे सॉन्ग्स आते रहे, तो बस ये सिलसिला आज तक चल रहा है। अभी थोड़ा सा बीच में गैप लिया और अब फिर दोबारा एक महीने तक एक और नया सॉन्ग करेंगे। तो गैप लेने की वजह क्या थी? गैप लेने की वजह मेरी जॉब। एक्चुअली मैं आउट ऑफ स्टेट था, तो जिसके कारण मैं थोड़ा नहीं कर पाया, और जिस जगह पे था वहाँ पे वैसी सिचुएशन नहीं थी, पहाड़ी एरिया था पूरा, दूर दूर तक कोई दिखता नहीं, दुकान नहीं दिखती थी, तो वो मैं नहीं कर पाया। तो अब जैसे आपने कहा कि आपका स्कूल में जो सॉन्ग रिलीज हुआ था उसको जम्मू के लोगों ने बहुत ज्यादा प्यार दिया, लगभग 3 लाख आपको उस पर व्यूअरशिप मिली है। गाने के 2 बोल अगर आप हमारे दर्शकों को सुनाएंगे। बिल्कुल, अंकुर रंधावा ने लिखा था ये गाना। जद सेक्शन डी विच पढ़दी सी तेरे उते हदों दे मरदे हां, ना चजदा कदे बुलाउंदी सी गल गल ते चुगलियां लाउंदी सी। आवाज तो वाकई में बड़ी खूबसूरत है। आगे क्या सोचा है कि आगे भी इस प्रोफेशन को बढ़ाते रहोगे या जॉब की तरफ ध्यान दोगे? देखो, अब बाय प्रोफेशन तो इस साइड जा नहीं सकता, क्योंकि जॉब भी एक जरूरी हो गई है, एक फैमिली बन चुकी है, शादी हो चुकी है, बच्चा हो गया है, तो इस प्रोफेशन में साथ साथ मतलब क्या कहते हैं उसको, एक शौक के पैशन के तौर पे इसको आगे लेके जाऊंगा, बट बाय प्रोफेशन अभी जॉब ही कर रहा हूँ। राहुल, जैसे आपने कहा आपकी फैमिली है, शादी हो गई है, बेबी है आपका, कितना टफ रहता है इस लाइन को मेंटेन रख पाना? देखो, टफ तो रहता है, बट वो मैंने आपको बताया ना कि किसी की एक हॉबी होती है कि मैं ये चीज़ करनी है, तो वो उस चीज़ के लिए टाइम निकाल ही लेता है, चाहे वो जैसे मर्जी निकाले। तो मैं भी अब वैसा ही करूँगा, टाइम निकालूंगा और जल्दी से, मतलब 1-2 मंथ के अंदर 1-2 गाना और करेंगे। हाँ। तो जैसे आपने कहा कि शेड्यूल काफी बिजी रहता है, तो इस बिजी शेड्यूल में आपको टाइम मिल जाता है रियाज करने का? रियाज करने का टाइम तो नहीं मिलता है आपको, जो सीरियसली बात बताऊं, बट वो सरस्वती माता की थोड़ी सी कृपा है कि गला खराब नहीं होता। तो मेंटर कौन थे आपके, जिनकी वजह से आप इस लाइन में आए? सतिंदर सरताज जी को सुनता था मैं, उनके गाने मेरे को बड़े अच्छे लगते हैं, और वो खुद मैं उनके गाने सुन के ही, बेसिकली उन्हीं के गानों को सुन के मैंने सिंगिंग स्टार्ट करी। उनका एक सॉन्ग था, मैं उसकी 2 लाइनें सुनाता हूँ, मेरा बड़ा ही फेवरेट सॉन्ग था। मेरी हीरिए फकीरिए नी सोनिए, तेरी खुशबू नशीली मन मोनी, तेरी खुशबू नशीली मन मोनी।
वाकई में आवाज तो बहुत खूबसूरत है। आगे जैसे आपने कहा कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी हैं, फैमिली भी अब आपकी बड़ी है, तो कैसे मतलब आपके लिए कितना टफ रहेगा अगर आपको कहीं जॉब तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है बड़ी अपॉर्चुनिटी गाना गाने के लिए, तो वो कैसे आप उसको मैनेज करेंगे? उसको मैनेज तो मेरे को खुद ही करना पड़ेगा, वो फिर सिचुएशन को देख के बंदा उसी हिसाब से मैनेज करता है कि उस टाइम क्या सिचुएशन है, कैसी अपॉर्चुनिटी है, फिर उसी हिसाब से बंदा सब चीज मैनेज करता है। तो सिंगिंग लाइन को देख के आपके पेरेंट्स की क्या राय थी आप इसके लिए? पेरेंट्स ने मेरे को ऑलवेज सपोर्ट किया है, मतलब जैसे कुछ पेरेंट्स होते हैं कि सपोर्ट नहीं करते, ये हम इस कल्चर में नहीं जाने, ऐसा कुछ नहीं है, मैं राजपूत फैमिली से हूँ, बट उन्होंने कभी मेरे को ये चीज नहीं बोला कि ये सॉन्ग नहीं गाना, ये नहीं काम करना, उन्होंने सपोर्ट किया हमेशा और बोला कि हाँ तेरे को जो करना है कर। तो कभी ऐसा लगा कि नहीं अब मैंने जॉब नहीं करनी है, मैंने इसी पैशन को फॉलो करके बस आगे की ओर बढ़ना है, कभी वो मौका आया लाइफ में? वो मौका तो नहीं आया, एक्चुअली इसलिए नहीं आया क्योंकि जम्मू में कुछ वैसा सिस्टम अभी तक डेवलप नहीं हुआ है जैसा आप पंजाबी इंडस्ट्री, पंजाब की इंडस्ट्री में देखते हो, फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री, तो जम्मू में वैसा कुछ सिस्टम है नहीं है कि मतलब हमें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया वैसा, तो अगर कोई प्लेटफॉर्म वैसा मिलता तो शायद यही मेरा प्रोफेशन होता। राहुल, मैंने और भी कुछ हमारे साथ दिग्गज कलाकार जो थे उनके साथ भी बातचीत की है, जो नए उभरते हुए कलाकार हैं उनके साथ भी बातचीत की है, उनका सबका इस चीज को लेकर ना मैंने शिकायत ही देखी है कि जम्मू में टैलेंट तो बहुत है लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। उसका एक रीजन है कि जम्मू में देखो काफी सारे आपने शोज देखे होंगे, स्टेज शोज होते हैं, तो आपने देखा होगा कि बाहर के सिंगर को बुलाते हैं, तो अगर हम अपने उसके साथ साथ जम्मू के सिंगर्स को भी प्रमोट करें तो उससे एक तो इनकरेजमेंट मिलेगी, दूसरा प्लेटफॉर्म मिलेगा, तो वो सब ऐसा जम्मू में कल्चर ही नहीं है। अब पंजाब में वो पंजाबी सिंगर्स को ही बुलाते हैं, उन्हीं को सपोर्ट करते हैं, वो आपने कभी सुना कि डोगरी सिंगर, डोगरी कोई आर्टिस्ट जो है वो बाहर गया? कभी नहीं हुआ ऐसा। तो यहाँ पे मतलब अगर कोई जेके टूरिज्म वाले भी इतने कल्चर प्रोग्राम करते हैं तो वो भी बाहर से सिंगर बुलाते हैं, अभी जस्ट थोड़ा पत्नीटॉप में एक पहले हुआ था, तो बात तो मेरा ये कहना कि हमें जम्मू के आर्टिस्टों को उनको प्रमोट करना चाहिए। तो कहाँ एक लूप होल आपको नजर आता है? लूप होल एक हमारी गवर्नमेंट को तो मैं बोलना चाहूंगा कि उनका तो वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हमारे आर्टिस्टों के लिए, एक तो उनको इनिशिएटिव लेना चाहिए और दूसरा हमारे जम्मू के आर्टिस्ट जितने भी हैं एक दूसरे को सपोर्ट करें, जो कि नहीं करते हैं, जो कि नहीं करते हैं, अक्सर देखा जाता है लेग पुलिंग ज्यादा होती है, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। आपकी कभी लेग पुलिंग हुई इस सफर में 2017 से शुरू किया और अब तक का? बहुत होती है। तो कभी ऐसा कोई इंसिडेंट जो हमारे साथ आप साझा करना चाहोगे? नहीं, ऐसा इंसिडेंट तो कोई नहीं है, बट मैं अगर होगा तो ऑन कैमरा शेयर नहीं करना चाहूंगा, देखो काफी सारी चीजें होती हैं जो हम शेयर नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो क्योंकि वो मसले अब खत्म हो गए हैं तो उनको अगर दबे हैं तो दबे ही रहने दो। तो आपने देखा होगा और भी बहुत सारे कलाकार हैं जो बाहर बाहर जम्मू से निकले हैं बाहर, उनको वो वहां पर काफी अच्छा अर्न कर रहे हैं, काफी अच्छी उनको जो है अपॉर्चुनिटीज मिली है, नाम भी उनका बना है, तो उनको आप कैसे देखते हैं कि क्या उन्हें जम्मू में रहकर यहाँ पर अपना नाम फेम नहीं बनाना चाहिए था? यहाँ पे रह के नाम फेम बना सकते थे, मैंने बट वही मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला कि यहाँ पे वो नहीं है अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे प्लेटफॉर्म ही नहीं है वो। अगर सरकार चाहे तो यहाँ पे कल्चर अकेडमी चाहे वैसा प्लेटफॉर्म बना सकती है, बट यहाँ पे वैसा कुछ सिस्टम ही नहीं है। आप पंजाब चले जाओ जहाँ के आर्टिस्ट काफी सारे जिनको मैं जानता हूँ, राहुल मॉर्टन है एक मेरा फ्रेंड, वो पंजाब इंडस्ट्री में एक तो मूवी में काम करके आया है, अभी भी अभी थोड़ी देर पहले भी वो गया था मेरे को सुना रहा था जी। तो मैं वही देखता हूँ कि इधर क्यों नहीं वो काम मिल रहा, इधर ऐसा कुछ वो क्यों नहीं है, अगर इधर ऐसा हो तो हमारा आर्टिस्ट कभी बाहर नहीं जाएगा। मेरी एक फ्रेंड है दीक्षा, वो आज पंजाब इंडस्ट्री में शोज लगा रही है, गाने कर रही है, बट जब तक जम्मू में थी उसको कोई पूछने वाला नहीं था। यहाँ के भी कई सारे आर्टिस्ट हैं जो वहाँ पर रियलिटी शोज में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, काम कर रहे हैं बाहर और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है उनको और पैसा कमा रहे हैं इसी लाइन से और खुश भी हैं।
तो अगर राहुल आपको कभी मौका मिला, कभी बाहर इस तरह का कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिली, तो आप स्विच करोगे या जम्मू में ही रहकर काम करोगे? बिल्कुल मैं स्विच करूंगा, अगर कोई वैसी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो डैम श्योर मैं स्विच करूंगा। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं आप ये बोलना, आप ये कहना चाहते हो कि जम्मू में आपके टैलेंट को जो है वो सराहा नहीं जा रहा, इसकी वजह से आप बाहर की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि हर किसी को अपना गुजारा तो करना ही है। बिल्कुल, देखो ऐसा है कि बड़े सारे इधर आर्टिस्ट हैं जो बाहर अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म पे काम करके आए हैं, बट मैंने कभी नहीं सुना कि उनको वहां पे बुलाया गया, वापस बुलाया गया। हाँ, वहाँ उनको उस जगह पे कोई उनसे शो करवाया गया हो, ऐसा मैंने कभी सुना नहीं। हाँ, एक जम्मू की अंजुषा शर्मा है, वो बाहर प्रोग्राम करती है, उसका देखा है मैंने, मीत कौर है पंजाबी सिंगर, पर वो लोग बाहर काम कर रहे हैं, वो जम्मू में काम नहीं कर रहे, वो बाहर ही काम कर रहे हैं, तो उनको वहाँ पे शोज भी मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। अगर मेरे को लगता कि वो बाहर ना रह के यहीं काम कर रहे होते तो आज वो भी यहीं पे घूम रहे होते। बिल्कुल। आखिरी आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने कहा कि आपने डोगरी सॉन्ग भी जो है वो गाया है, तो डोगरी सॉन्ग कौन सा गाया आपने? वो भी आप अगर हमारे लिए कुछ सुनाएंगे। ड्यूट सॉन्ग किया था लड़की के साथ, रिद्धिमा नाम था लड़की का, तो उसमें गाना ऐसे था, हो मेरे दिलाच है हिरख जगाया, दिल जदूदा में तेरे कन्ने लाया, किन्ना प्यार करना है हिरख जगाया। अमेजिंग। राहुल, आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, अक्सर मैंने देखा है जो यहाँ के टैलेंटेड यूथ हैं वो अपनी भाषा छोड़, मतलब अपनी भाषा को छोड़ हिंदी या पंजाबी जो है लैंग्वेज उसमें गाना पसंद करते हैं, ऐसा क्यों? कहाँ आपको वो नजर आती है कमी? कमी मैंने आपको बताया कि आप देखो, आप बॉलीवुड गाने सुनते हो तो आप डोगरी गाने क्यों नहीं सुनते? मैं सुनती हूँ कभी कभी, कभी कभी सुनती हो, बट एक बल्क में आप क्या बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हो? क्यों? क्योंकि शायद हम लोग उतना यूज्ड टू हो चुके हैं यहाँ पर, शायद वो चीजें, वो जैसे आपने कहा प्रमोशंस नहीं मिल पाती हैं, हमको ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। अगर वो वही सब चीजें यहाँ पे हो तो हम लोग डोगरी सॉन्ग ही सुने, और ये डोगरी सॉन्ग बाहर के लोग भी सुने, यूज्ड टू नहीं है। तो क्या एक गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं आप? बिल्कुल, गवर्नमेंट से अपील भी करना चाहूंगा, एक तो फिल्म सिटी यहाँ पे होनी चाहिए। वैसे मैंने अभी सुना है कि फिल्म शूट हुई है अजय देवगन हाँ, की बॉलीवुड की मूवी। हाँ, तो मुझे लग रहा है ऐसा कुछ काम हो रहा है इस पे, तो आई होप गवर्नमेंट कुछ अच्छा करेगी। हाँ, तो फिलहाल देखते हैं क्या होता है। वैसे जहां तक हमें जो मिला है वो मैंने आपको बता दिया। तो ये थे हमारे साथ सुर सफर के नए एपिसोड में राहुल जम्वाल, जिनसे हमने बातचीत करी, और जिस तरह से आपने देखा होगा हमने पिछले प्रोग्राम्स में जब नए उभरते कलाकारों से आपके साथ बातचीत करवाई या रूबरू उन्हें करवाया, तो सबकी जो मैंने शिकायत जो है देखी है वो यही देखी है कि यहाँ पर टैलेंट तो है लेकिन प्लेटफॉर्म की कहीं ना कहीं कमी जो है वो लगातार बनी हुई है। ऐसे में इन आर्टिस्ट की अपील है कि जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट जो है इस तरफ ध्यान दे, ताकि इनके टैलेंट को कहीं दूसरे राज्यों में जाकर अपना नाम ना कमाना पड़े। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अगले हफ्ते एक नए कलाकार के साथ आपके साथ फिर से मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।